उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल बुखार के रोगियों से पटे पड़े हैं। सितंबर के महीने में डेंगू अपने चरम पर पहुंच चुका है, मगर इस बार डॉक्टर काफी दुविधा में दिख रहे हैं। कारण है डेंगू के लक्षणों वाले मरीजों में डेंगू की रिपोर्ट का निगेटिव आना, या एक साथ एंटीजन और दोनों एंटीबॉडी का भी पॉजिटिव आ जाना, या फिर टाइफाइड की जांच का पॉजिटिव होना। उत्तराखंड में बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों में बुखार के साथ डेंगू के लक्षण दिखाई देते हैं। जिला अस्पताल कोरोनेशन में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर एनएस बिस्ट का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षण वाले बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच कराने पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव के बजाय निगेटिव आ रही है। यानी मरीजों में डेंगू पॉजिटिव दर काफी कम है, जबकि डेंगू के लक्षण बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर एनएस बिस्ट का कहना है कि कोविड-19 ढलान पर है और बाकी वायरल के बुखार ज्यादा गंभीर नहीं होते। ऐसे में बुखार के गंभीर रोगियों को निगेटिव रिपोर्ट पर भी डेंगू की ही तरह इलाज देना चाहिए, ताकि निगेटिव रिपोर्ट की वजह से किसी भी मरीज के इलाज में लापरवाही न हो। डॉक्टर एनएस बिस्ट के मुताबिक डेंगू की जाँच सही न आने के कारण डेंगू से दोबारा संक्रमण या फिर टाइप 2 और 4 से संक्रमण हो सकता है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये मानसून थोड़ा एक्सटेंडेड हुआ है, बारिश का पानी एक्चुअली जो डेंगू का मच्छर है जिससे डेंगू फैलता है, डेंगू वायरस को जो मच्छर फैलाता है, वो अब अर्बनाइज्ड हो गया है। यानी कि उसने लोगों के घरों के आसपास रहना सीख लिया है, जहां पर खुले कंटेनर्स होते हैं। यानी कि एक चम्मच भी अगर आपके आंगन में खाली पड़ा है तो एक चम्मच में भी वो अंडे दे सकता है उसमें जमा पानी में, और उसके बाद उससे जो उसकी 3 स्टेजेज हैं उसके बाद एडल्ट मॉस्किटो बन के वो वयस्क मॉस्किटो आपको काट सकता है।